खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू जेल से रिहा हो गए हैं और समर्थकों में काफी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पांचवें दिन के बाद जेल से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे न्याय पर भरोसा था और मुझे न्याय मिला। देखिए, न्याय पर भरोसा था, मुझे न्याय मिला, मैं पहले भी गलत नहीं था, आज भी गलत नहीं हूँ। बता दें कि जमानत स्वीकृत होने के बाद उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार को एमपी मिले कोर्ट मजिस्ट्रेट में न्यायालय में दाखिल हुआ तो पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व दो सह आरोपियों को रिहा करने का परवान जेल भेजा गया। इनके साथ रुखसार व अंशु उर्फ सूर प्रकाश को 10,000 की जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश है। विशेष लोक अभियोजन वैभव पांडे ने बताया था कि इस घटना की FIR बनारसी लाल कसौदा निवासी ग्राम मयंग ने लिखाई थी। इनके अनुसार 25 फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे की यह घटना है। आरोप ये है कि पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू उनके भाई मोनू सिंह सिंटू जेसीबी लेकर आए घर में घुस गए और असला दिखाकर मारे पीटे इनके बेटे को। जब इनके बेटे व भतीजे डर के मारे भाग गए तो इन लोगों ने इनके घर के मकान को गेट को जेसीबी से हाथ से गिरा दिया था। बता दें कि विवेचना में मोनू सिंह की नामजदगी गलत पाई गई थी जबकि सोनू सिंटू व जेसीबी चालक अमेठी निवासी रुखसार पर मुकदमा चल रहा था। अभियोजन में 9 गवाह पराजित हुए थे जिसके आधार पर तीनों को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 6 जुलाई 2023 को सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। उसी आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी जो हुई और सजा बहाल हुई तो उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने समर्पण के लिए अवसर मांगा जिसे विशेष जज एकता वर्मा ने निरस्त कर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। सूर प्रकाश उर्फ अंशु व सोनू सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से 10 जून को समर्पण कर दिया था। उच्च न्यायालय से 20 जून को जमानत का आदेश भी पारित हुआ था। बता दें कि वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि मैं पहले भी गलत नहीं था और आज भी गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जिस मामले में सजा हुई थी उसको मौके पर जाकर खुद देख लीजिए मैं कितना सही था मैं कितना गलत था। उन्होंने कहा कि संघर्ष है और संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। जब मेरे पापा पूर्व विधायक स्वयं इंद्रभद्र सिंह नहीं थे तब मेरी उम्र 22 साल थी, तब से हम संघर्ष ही कर रहे हैं। जेल जाना पड़े नहीं जाना पड़े इसके लिए कोई डर की बात नहीं है। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा सोनू सिंह के बयान की तरफ। एंकर भोलू जहांगीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अपना सुल्तानपुर न्यूज। क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, न्याय पे भरोसा था, मुझे न्याय मिला, मैं पहले भी गलत नहीं था, आज भी गलत नहीं हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा जिस मुकदमे मुझे यहाँ मतलब जिसमें सजा पड़ी थी आज मैं जिसमें छूट रहा हूँ, आप लोग आके मौके पर जाके खुद देख लीजिए कि मैं कितना सही था मैं कितना गलत हूँ। चुनाव के पहले आप सपा में शामिल हुए, उसके बाद फैसला आया और आप जेल जाना पड़ा, आपको क्या मानते हैं? अब देखिए, ये कानून का काम है, इसमें हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं। मुझे न्याय पे भरोसा था, मुझे न्याय मिला। राजनीतिक द्वेष के चलते आए दिन आपको इस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं, सर क्या कहना है आपका? देखिए, संघर्ष है और संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। जब मेरे पापा नहीं थे मेरी उम्र उस समय 22 साल थी, पिछले 21 जनवरी 1999 से लेके आज तक खाली हम संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। जेल जाना पड़े नहीं जाना पड़े इसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई डर की बात नहीं है। हमेशा संघर्ष करूंगा, ईमानदारी संघर्ष करूंगा। राजनीतिक रणनीति अगली क्या होगी? अब इसके लिए बात कर लीजिए।